रोस्टिंग वीडियोस जैसे ठगेश बनाता है वैसी आज हम बना के दिखाएंगे ताकि आप लोग भी बना पाओ। इंट्रो को छोटा रखेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी होने वाली है, तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। कैरी मराठी का ठगेश में कैसे आ गया? तो जो सॉफ्टवेयर मैं यूज करने वाला हूँ अडोबी प्रीमियर प्रो, क्योंकि इसी के अंदर सारी प्रोफेशनल वीडियोस एडिट होती हैं ज्यादातर 99%, बाकी आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हो, तरीका सब में सेम ही मिलेगा आपको। सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट बना लेंगे ठगेश के नाम से, ये हमने प्रोजेक्ट बना लिया। इसके अंदर जो वीडियो थी ठगेश वाली उसको हम इम्पोर्ट कर लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, बहुत ही सिंपल सा काम है। अब वीडियो को इम्पोर्ट करने के बाद इसमें थोड़ा सा जूम हम कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखो वीडियो 10-15 मिनट की है तो इसको हम कट कर लेंगे स्टार्टिंग के 1 मिनट के अंदर। पहले 1 मिनट के अंदर इनके वो सारे फैक्ट्स हैं जो इन्होंने आगे के 11 मिनट की वीडियो में यूज़ करे हुए हैं। तो पहले 1 मिनट की एडिटिंग अगर आप सीख लोगे तो बाकी के 11 मिनट में भी आप सेम तरीके से पूरी वीडियो बना पाओगे। तो यहाँ पर 1 मिनट की वीडियो कट कर लेते हैं। उसके बाद हम ये वीडियो के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, सीन एडिट डिटेक्शन के ऊपर जाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर सीन एडिट डिटेक्शन के ऊपर हम जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई एट कट के ऊपर ये जो टिक मार्क है इसको क्लिक करके ओके कर देंगे और 2-4 सेकंड के अंदर ये वीडियो को एनालाइज करके ये देखो क्या जादू होगा कि जो हमारी सिंगल क्लिप थी 1 मिनट की उसके अंदर सारे कट लग चुके हैं। ये बेसिकली क्या हुआ है कि जो भी आपकी वीडियो के अंदर कट लगे थे, जो ठगेश की इस वीडियो के अंदर जहां पर भी फ्रेम चेंज हो रहा है, जहां पर भी उसने कट लगाया, वो कट यहां पे हमारी वीडियो के अंदर लग चुका है। अब यहां पर मैं अगर आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाऊं अगर, तो देखो हर लाइन के बाद उनका कट है, देख रहा हूं हर जगह पर इसका नाम आ जाता है। कभी एल्विश मैक्सटन के मैटर में घुसता है, कभी इसका मैटर होता है जो कि रोज की बात है। ऑल्सो वीडियो में आगे मैं बताऊंगा कैसे आप जीत सकते हो 1 रुपए में iPhone 15। एक लाइन उसने बोली उसके बाद कट, एक लाइन दूसरी बोली उसके बाद कट। तो बेसिकली उन्होंने भी अपनी स्क्रिप्ट को रुक रुक कर बोला है, ऐसा नहीं कि एक बार उन्होंने रट्टा मार लिया उसके बाद बोलना शुरू कर दिया मेरी तरह। उसके बाद एक ही लाइन को 3-4 बार बोल के एक जो अच्छी लगी वो रखी, बाकी की डिलीट कर दी, अगली लाइन बोली, इस तरीके से सारी लाइन्स को एक एक करके उन्होंने बोला। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम इफेक्ट्स को हम बनाने की ट्राई करेंगे। जैसे हम एक नॉर्मल वीडियो को इम्पोर्ट कर लेते हैं, इस वीडियो के ऊपर हम सारे इफेक्ट्स को लगाएंगे जो ठगेश ने अपनी वीडियो में लगा रखे हैं। स्टार्टिंग में देखो वीडियो में क्या हो रहा है कि एक तो वीडियो ब्राइट से नॉर्मल पे आ रही है और थोड़ा सा जूम इन थी वीडियो वो जूम आउट हो रही है। तो वहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे, सिंपली मान लो ये 2 सेकंड के हमारा पहला कट है, इसके अंदर हम ये स्केल के ऊपर जाएंगे। देखो ये जो बेसिक चीज़ है की फ्रेम्स वाली, ये सारा मैंने प्रीमियर प्रो के बेसिक कोर्स में सिखा रखा है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सीखने को मिल जाएगा। की फ्रेम्स हम ऑन करेंगे, स्टार्टिंग में वीडियो को जूम करेंगे और यहाँ पे देखो की फ्रेम्स ये बन गए, थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे और की फ्रेम्स को हम जूम आउट कर देंगे इस तरीके से। तो जब वीडियो को अगर हम प्ले करेंगे तो कुछ ऐसी हमें दिखाई देगी। इसको हम थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं की फ्रेम्स को पास में लाके। और दूसरी जो चीज हमारे यहाँ पे थी कि वो जो वाइट से एकदम से नॉर्मल पे आया, तो वो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, ये डिप टू वाइट का इफेक्ट हम सर्च करेंगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे अपनी वीडियो के ऊपर। यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन अगर हम करें, यहाँ पे वीडियो को बड़ा कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और डिप टू वाइट जैसे हमने किया इसको छोटा कर देंगे तो कुछ इस तरीके से इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब या तो अगर आपको ये पसंद आ रहा इफेक्ट तो आपको इसको इसी तरीके से आप लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको सेम टू सेम करना है तो उसके लिए भी हमारे पास इलाज है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर आपको ल्यूमेट्री कलर पे जाना है और एक्सपोजर को बढ़ा देना है बिल्कुल 5-6, जितना भी आपको करना है जितना बढ़ाना है उतना आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ इफेक्ट कंट्रोल में देखो हमारा ल्यूमेट्री टैब आ चुका है, यहाँ पर हम जाएंगे बेसिक करेक्शन में, एक्सपोजर के की फ्रेम को हम ऑन कर देंगे और थोड़ा सा आगे आके की फ्रेम को वापस से 0 पे कर देंगे। तो वीडियो हमारी कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी, वाइट से एकदम से नॉर्मल हुई और वो जूम आउट हो गई। अब इसी तरीके से उनका भी इफेक्ट है, की फ्रेम्स को आप अपनी पसंद से आगे पीछे जहाँ पे भी आपको जितनी देर के लिए करना है इफेक्ट वो आप कर सकते हो। उसके बाद दूसरे इफेक्ट पे चलते हैं जो बहुत ही ईजी लेकिन बहुत ही मज़ेदार है, ये वाला इफेक्ट जिसमें 2 फोटो या फिर 1 फोटो एक वीडियो ऐसे साइडों में से निकल के आती है। अब ये कैसे करना है, देखो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, इसमें कोई भी महाभारत वाला काम नहीं है। यहाँ पर बेसिकली क्या करना है कि आपको जो फोटो आपको इंपोर्ट करनी है या फिर जो वीडियो आपको इंपोर्ट करनी है उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपकी वीडियो है उसके ऊपर सिंपली अपनी जो PNG वाली फोटो है उसको हम डालेंगे। इस तरीके से मैंने मिस्टर बीस्ट की फोटो को यूज़ किया, आपको जो भी फोटो दिखानी है वो रख सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर की फ्रेम्स में जाएंगे, जो फोटो को जहाँ पर हमें रखना है उसकी पोजीशन को वहाँ पे फिक्स कर लेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं रखेंगे, हम थोड़ा सा आगे की तरफ रहेंगे जहाँ पे हमें पोजीशन फाइनल चाहिए। की फ्रेम्स को ऑन किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली ये स्टार्टिंग में जैसे हमने यहाँ पे ये की फ्रेम्स लगा दिए, ऑन कर दिया, अब हम कर्सर को पीछे की तरफ लेके आएंगे और फोटो को स्क्रीन से बाहर कर देंगे कुछ ऐसे। अब जब हम वीडियो प्ले करेंगे तो ऐसे हमारी फोटो निकल के सामने आएगी।
सेम तरीके से हमें वीडियो को भी करना है, जैसे साइड में हमने मान लो ये वाली वीडियो को इम्पोर्ट कर लिया, अब इसका साइज को हम छोटा बड़ा करके देख सकते हैं, और इसमें भी हम सेम तरीके से की फ्रेम लगा के राइट साइड पे हम इसको मूव कर देंगे तो वीडियो हमारी सामने कुछ इस तरीके से आएगी। वीडियो के अंदर देखो शैडो का इफेक्ट दे रखा है उन्होंने, तो हम भी देंगे। सिंपली इफेक्ट टैब में जाएंगे, ड्रॉप शैडो सर्च करेंगे और वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे अपनी वीडियो के ऊपर। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप चेंज कर सकते हो, जैसे ओपेसिटी को मैं 100 कर देता हूँ। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही होगी क्योंकि वीडियो डार्क है, तो समझाने के लिए यहाँ से कलर को हमने वाइट कर दिया, तो ये जो शैडो आपको दिखाई दे रही है इसका आप डिस्टेंस चाहे जितना मर्जी दूर पास आप रख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस इसमें कर करके देख सकते हो। यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो सॉफ्टनेस है सॉफ्टनेस को हम बढ़ा देंगे ताकि जो शैडो है वो एकदम स्मूथ हमारी नज़र आए, ज़्यादा शार्प होगी तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। ये हमारा इफेक्ट यहाँ पे लग गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जैसे ये हमारा अगला इफेक्ट है, ये फोटो के साथ में टेक्स्ट भी लिखा हुआ आ रहा है चड्डी बड्डी वाला, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी फ़ोटो को लगाएंगे। जैसे यहाँ पर कोई भी एग्जांपल के साथ हम ले लेते हैं, ये हमारी अगली क्लिप, इसमें हम फ़ोटो को इम्पोर्ट कर लेते हैं, थगेश की फ़ोटो को ही हम यहाँ पर लगा लेते हैं। ये फ़ोटो हमने लगाई, अब इसके साथ साथ हमें क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखना है। टेक्स्ट हम लिख लेते हैं चड्डी बड्डी, जैसे जो भी आपको लिखना है टेक्स्ट। एसेंशियल्स ग्राफिक्स में हम जाएंगे, अपना फ़ॉन्ट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको फ़ॉन्ट रखना हो। हम इसकी ओपेसिटी को, इसके साइज़ को छोटा बड़ा ऊपर नीचे कुछ भी यहाँ से देखो, सारे ऑप्शन आपको नज़र आते हैं, ये आप छेड़ छेड़ के अपने पसंद के अकॉर्डिंग कर लेना। उसके बाद हमें क्या करना है, जो सबसे मेन इसके अंदर चीज़ आती है कि इन दोनों लेयर्स को हम सेलेक्ट करेंगे, हमारे टेक्स्ट वाली और ठगेश की जो PNG फोटो है, दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करा और नेक्स्ट के ऊपर जाके हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो दोनों लेयर हमारी एक ही लेयर बन चुकी है इस तरीके से। ये अब इसको हम की फ्रेम्स की मदद से जैसे ऑन किया और पीछे की तरफ जाके फोटो को नीचे कर देंगे तो टेक्स्ट के साथ हमारी फोटो भी ऊपर की तरफ आएगी। ये तो हो गए हमारे सारे बेसिक वाले इफेक्ट जो आपको सीखने थे या फिर आपको आते भी होंगे पहले से। अब इसके बाद जो हमारी मेन चीज आ जाती है, यहाँ पर है तगड़े वाले इफेक्ट्स। अब जैसे फोटो के साथ यहाँ पे देखो, ये जो फोटो इन्होंने लगाई आईफोन 15 की, इसके साथ में ये वीडियो भी ड्रैग होती हुई आई इस तरफ। हालांकि ये भी थोड़ा सा इजी है, लेकिन ये इफेक्ट काफ़ी कंफ्यूजिंग सा हो जाता है लोगों के लिए। तो हम एग्जांपल के लिए फोटो को हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं, फोटो का ये वाइट एरिया हम डिलीट कर देंगे ऐसे, तो क्रॉप इफेक्ट में जाके फोटो का यहाँ से क्रॉप करके ये दोनों साइड से एजेस को हम हटा देंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम चाहते हैं कि फोटो हमारी स्लाइड होती हुई राइट से लेफ्ट की तरफ आए, तो वहाँ पर वही की फ्रेम्स की मदद से हम फाइनल पोजीशन को सेलेक्ट करेंगे और आगे की तरफ जाके हम फोटो को वीडियो की स्क्रीन से बाहर कर देंगे, तो वीडियो कुछ इस तरीके से स्लाइड होती हुई आएगी। जो वीडियो है हमारी नीचे वाली, उसके की फ्रेम्स को हम ऑन करके थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ सरका देंगे ताकि जब वो फोटो आए हमारी तो हमारी वीडियो भी लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा सरक जाए कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो मेन इफेक्ट आ जाता है हमारा कि ठगेश के जैसे पीछे की तरफ कैसे फोटोज़ आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, बैकग्राउंड एकदम से चेंज हो जाता है, तो ये सारा देखो रोटोस्कोप की मदद से होता है जो हमारा आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर है। मैं आपको करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। अब देखो ठगेश की वीडियो में भी कैसे एक ग्रीन स्क्रीन नहीं इन्होंने यूज़ करी, क्योंकि यहाँ पे देखो इनके बालों के पास में लाइट पड़ रही है जो उनकी एक्चुअल वीडियो में पीछे से आ रही थी, तो रोटोस्कोप इनका ठीक से नहीं हुआ था जिस वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट भी आ गया वीडियो के साथ। लेकिन ऐसी कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है, सब इग्नोर हो जाती है ये सब चीज़ें। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, अगर आपको भी ये चीज़ करनी है तो आपके कंप्यूटर में आफ्टर इफेक्ट्स होना चाहिए। तो आफ्टर इफेक्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी पहली वीडियो है जिसके पीछे हम बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, इसकी हम डुप्लीकेट कॉपी कर लेंगे, कमांड या कंट्रोल का बटन आप दबा के ऊपर की तरफ एक वीडियो रख देंगे, ये कॉपी हो गई, बीच में गैप रखेंगे दोनों के और राइट क्लिक करेंगे इस वीडियो के ऊपर, ऊपर वाली वीडियो के ऊपर, और यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा रिप्लेस क्लिप विद आफ्टर इफेक्ट्स कंपोजिशन। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आपका आफ्टर इफेक्ट्स खुलने लग जाएगा, और आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, ये जो हमारी लेयर है इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे ताकि जो हमारी वीडियो है, जो क्लिप है हमारी, वो दूसरी लेयर के अंदर खुल जाए। अब यहाँ पर ये जो ऊपर आपको ब्रश टूल नज़र आ रही है, ये बेसिकली रोटोस्कोप है जो आपकी वीडियो में से बैकग्राउंड रिमूव करने में आपकी मदद करता है। अब इसके ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पर इसके ऊपर अपना जो, यानी कि आप जो होंगे अपने ऊपर इस तरीके से ब्रश स्ट्रोक चलाने लग जाना, बिल्कुल एज टू एज, ज़्यादा बारीकी से करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपकी वीडियो हाई क्वालिटी में है तो। अगर आपकी वीडियो लो क्वालिटी में है जैसे ये वाली है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे आपको हो सकती है, लेकिन अगर आप हाई क्वालिटी में वीडियो बना रहे हो जहाँ पर बैकग्राउंड से थोड़ा सा दूर खड़े हो और आपके आसपास में कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्टिंग नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी एजेस डिटेक्ट कर लेगा। और जैसे ही एजेस डिटेक्ट कर लेगा, ये जो थोड़ा बहुत एरिया रह जाए तो उसको हम ओल्ड के बटन से रिमूव कर सकते हैं, और जो थोड़ा बहुत एरिया आपको चाहिए हो एक्स्ट्रा, वो आप सिंपली पेंट ब्रश की टूल से इसको कवर कर सकते हो। इस तरीके से हम पूरा एरिया, जो पूरी बॉडी हमारी, उसको सेलेक्ट करेंगे, और जब एक बार हमारी पूरी बॉडी सेलेक्ट हो जाए
उसके बाद हम स्पेस का बटन दबा के वीडियो को प्ले करेंगे और चेक करेंगे कि पूरी बॉडी अगर हमारा कैमरा मूवमेंट में था तो वो सही से ट्रैक हुई भी है या नहीं। 99% ये काफ़ी अच्छा ट्रैक कर देते हैं। अब जब आपको लगे कि हाँ ये सारा कुछ सही से ट्रैक हो गया है तो हम सिंपली फ्रीज़ के बटन पर क्लिक कर देंगे और ये हमारे फ्रेम को फ्रीज़ कर देगा कुछ इस तरीके से। अब ये हो गया प्रीमियर प्रो के अंदर। अब हम जाएंगे तो ये देखो लाल लाल लाइन आपको ऊपर नज़र आ रही है क्योंकि हमारा जो आफ्टर इफेक्ट का कंपोजिशन है वो इसके अंदर आ चुका है। अब हम यहाँ पर अगर आपको बैकग्राउंड के नीचे कोई भी इमेज लगा के दिखाए या वीडियो लगा के दिखाए, जैसे ठगेश लगाते हैं इस तरीके से, तो देखो वीडियो जो मैंने ड्रैग करी वो एकदम बिल्कुल क्लीन आ रही है पीछे बैकग्राउंड में। अगर इसको मैं हटा के दिखाऊँ, नीचे वाली लेयर को हाइड कर दूँ, तो इस तरीके से आपको बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगी क्योंकि जो मेरी जो मेन वीडियो थी, जो सबसे ऊपर वाली क्लिप है, उसमें कोई भी बैकग्राउंड अब नहीं बचा है। तो हम पीछे जो हमारी टॉप लेयर है, जो उसके नीचे कोई भी इमेज या कोई भी वीडियो लगाएंगे तो वो सारी हमारे पीछे की तरफ दिखाई देगी। अब जैसे ये वीडियो थी, वीडियो के ऊपर हमने कोई फ़ोटो लगा दी, फ़ोटो को भी हम पीछे ही रखना चाहते हो तो इस तरीके से हम साइज़ को बड़ा करेंगे, देखो ये हमारे पीछे ही रहेगी। अब इसके अंदर आप अपनी वीडियो को जूम भी कर सकते हो, जैसे जो आपका रोटोस्कोप हो रखा है, इसके बाद आप क्लोजअप में शॉट चाहते हो तो सिंपली वो की फ्रेम्स की मदद से अपनी वीडियो में जूम इन भी कर सकते हो, जूम आउट भी हो सकते हो। आपको टेक्स्ट लगाना है, आप टेक्स्ट भी लगा सकते हो, जैसे कोई भी टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिखना चाहो वो लिख दिया, सिंपली उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमें अपनी इमेज के अपनी वीडियो के नीचे की तरफ रखना है, जिसके भी नीचे आप रखना चाहते हो उस तरीके से रख सकते हो। की फ्रेम्स की मदद से आप इसको ऊपर नीचे जहाँ पे करना चाहो वो आप कर सकते हो। यही सारे इफेक्ट्स हैं जो यहाँ पे लगे हुए हैं। ये तो हो गए हमारी वीडियो की बात। अब अगर साउंड इफेक्ट्स की बात करूँ तो देखो आपको यूट्यूब पर ही मैं दिखा देता हूँ, यूट्यूब पर ही आपको मिल जाएंगे। आप लिखो ठगेश साउंड इफेक्ट्स तो ये लिखा, अरे सेकंड नंबर पे मेरी वीडियो आ रही है, एक साल पहले मैंने बनाई थी 2023 में, ये वीडियो भी देख लेना काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर देखो यूट्यूब पर ही आपको काफ़ी सारे साउंड इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, ठगेश के हों, राउंड 12 के हों, हर्ष बेनीवाल के हों, जिसके मर्जी हों, वो आपको 90% सारे साउंड इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। अब लास्ट जो चीज़ बचती है हमारा म्यूज़िक। म्यूज़िक आप जैसे कॉपीराइट फ्री वाला कोई भी लगाओगे, उसकी वॉल्यूम को आपको बहुत कम रखना है, 28-28-30 के आसपास आपको उसकी वॉल्यूम रखनी है। और उसके साथ साथ में हमें उसके अंदर एक लो पास फिल्टर लगाना है। वो बेसिकली आपको इफेक्ट ऐप में जाओ, लो पास आप सर्च करो, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो अपनी ऑडियो के ऊपर। इससे क्या होगा, बेसिकली जब आप बोलोगे और बैकग्राउंड में आपका जो म्यूज़िक आपने लगाया होगा वो एक्चुअल में ऐसा महसूस होगा कि वो बैकग्राउंड में ही कहीं बज रहा है दूर, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जितने भी क्रिएटर्स हैं वो सभी इस चीज़ को यूज़ करते हैं, आपको भी करना चाहिए और इस तरीके से आप ठगेश की तरह वीडियोज़ को एडिट कर पाओगे। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स कर देना ये वीडियो को देख के अगर आपको मज़ा आया तो, ताकि हम और वीडियोज़ ऐसी बना सकें। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।